तो स्टूडेंट्स, आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में। स्टूडेंट्स, अभी हमने एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट की हुई थी जहाँ पे हमने आपसे पूछा था कि एमपी बोर्ड से जुड़े हुए जो री एग्जामिनेशन हो रहे हैं इसमें आपको क्या डाउट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आए थे, अभी हमने सारे कवर तो नहीं किए हैं, बट कुछ डाउट्स ऐसे थे कि जो कि हम सोच रहे थे कि हाँ, इन पे वीडियो ज़रूरी है देना, क्योंकि ये डाउट्स ऐसे हैं कि ये किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए डाउट नहीं है, ये डाउट हर एक वो बच्चे को है जो री एग्जामिनेशन दे रहा है। देखिए, आज का डाउट आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर मैंशन कर रखा है, बच्चे पूछ रहा है मेरिट बनेगी या नहीं बनेगी। काफ़ी कॉमन है, आपको आंसर पता है, फिर भी आपने पूछा तो फिर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, वो तो ठीक है, मेरिट बननी है नहीं बननी वो बात की बात है। हमें स्कीम्स दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, कौन कौन सी स्कीम्स, मेधावी योजना, लैपटॉप वितरण योजना, ये कुछ स्कीम्स होती है ना जिसमें अच्छे परसेंटेज होते हैं तो वो हमें दी जाती है, तो वही सब की मैं बात करूँगा आज की वीडियो में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा दें, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको देते रहते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आपके री एग्जामिनेशन में अच्छे परसेंटेज आ गए, मानिए आपके 90 है, वो आ भी गए, तो क्या आपको कोई फ़ायदा दिया जाएगा या फिर किसी तरह की कोई स्कीम आपको दी जाएगी। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, देखिए री एग्जामिनेशन अभी हो ही रहे हैं और वहाँ के जो एग्ज़ाम पेपर अभी तक हुए हैं, जैसे 12th की बात करें तो केमिस्ट्री और मैथ का जो एग्ज़ाम पेपर है वो अभी तक हो चुका है, तो उसकी भी वीडियोज़ हमने बना रखी हैं कि किस तरीके का पेपर आया था, कहाँ से कितना वेटेज आया था, तो दोनों वीडियो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन में मैंने वीडियो दे रखी है, आप वहाँ से दोनों वीडियो चेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि देखिए, री एग्जामिनेशन अभी ख़त्म तो हुए नहीं है, आगे अगर आपके किसी सब्जेक्ट का री एग्जामिनेशन है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, किस तरीके के री एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आ रहे हैं और कहाँ से उनका वेटेज ज़्यादा आ रहा है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से किन चैप्टर्स में आ रहा है, ये सब हमने आपको बता रखा है, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक करें। और अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो एक ऑब्जेक्टिव वीडियो भी हमने आपको दे रखी है, वो भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी आगे की वीडियो में। देखिए, मैं आपको एक बात तो शुरू में ही बता दूं, पैरेट बनने का इस बार कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेन एग्जाम में जिनके 90% आए हैं उन्हें किसी तरह का कोई फायदा ही नहीं दिया गया, ना तो उनकी मेरिट बनी हुई है, तो उन्हें ही कोई फायदा नहीं दिया है, तो री एग्जामिनेशन के बच्चों की वो अपन कैसे उम्मीद कर सकते हैं एमपी बोर्ड से कि वो ये सब करेगा। देखिए, एक बात तो मैं समझ रहा हूँ, अगर आप प्री एग्जामिनेशन के बच्चे हैं तो आपने पूरी मेहनत करके जो जितने भी मार्क्स हैं वो आप गेन कर रहे हैं, आपको कोई मार्क्स वैसे नहीं दिए गए हैं, आपने अपनी मेहनत से अचीव कर रहे हैं जो भी मार्क्स आपके री एग्जामिनेशन में आएंगे। बट हमारी मेरिट क्यों नहीं बन रही, हमारी तो बननी चाहिए, तो देखिए नहीं बनेगी, इस टाइप का इस बार कुछ भी नहीं होगा, कोविड के कारण स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और ये जो 2020-21 का एकेडमिक ईयर था ये पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, आपको भी पता है, तभी तो बच्चों ने बिना एग्जाम दिए ही 10th और 12th पास की है। जो बच्चे मेहनत करके अभी जो री एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि मेरिट नहीं बनेगी इस बार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा है जो कि सभी को बराबर है, आपको किसी तरह का कोई नुकसान ज़रूर नहीं है। अब देखिए, वही हम बात करें MPDTE की, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसकी वीडियो हमने बना रखी है MPDTE की, उसके थ्रू आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होता है तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक करें। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें और भी रहते हैं, जैसे बी फार्मा वगैरह और भी चीज़ें रहती हैं, तो उन सबकी डेट हमने वो वीडियो में आपको दे रखी है। अब देखिए, वही हम बात करें कुछ योजनाओं की, कुछ स्कीम्स की, वो क्या होती हैं, मेधावी स्कीम्स हो गई हमारी, एक स्कीम वो होती है जिसमें हमें 25,000 दिए जाते हैं जिसको कि आप लैपटॉप वितरण योजना कहते हैं, एक योजना वो हो गई हमारी, और भी योजनाएं होती हैं, बट आज हम ये दो मेन योजनाओं की बात करेंगे जो कि एमपी में दी जाती है। देखिए, जो मेधावी योजना है ये आपको दी जाएगी, 100% दी जाएगी, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसकी डेट भी आ चुकी है, इसकी वीडियो भी बना रखी है, वो भी ज़रूर चेक करें। ये जो मेधावी योजना है ये आपको दी जाएगी, जिसमें क्या होता है कि जो आपके इंस्टीट्यूशन की फ़ीस होती है, ट्यूशन फीस, वो गवर्नमेंट देती है, तो ये दी जाएगी, तो इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो पात्रता है और भी चीज़ें हैं वो सब हमने आपको वीडियो में कवर कर रखी हैं। सेकंड नंबर की स्कीम हमारी कौन सी है, ये जो आप अभी देख रहे हैं, तो ये मैं कहूँगा कि ये वीडियो आप एक बार खुद ही देखें, तो इससे क्या होगा कि अगर आप उसे खुद देखेंगे तो आपके मन में फिर ये डाउट कभी रहेगा ही नहीं, तो ये वीडियो चेक कीजिए, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कोई फ़ायदा हमें है या नहीं है, तो देखिए फ़ायदे की मैंने आपको मेरिट तो बता दिया, मेरिट नहीं बननी है तो फ़ायदा तो कम ही होगा, बट हाँ, मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ, मेधावी ज़रूर आपको दी जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, तो फ़ायदे की तो ये बात हो गई, इतना ही कोई फ़ायदा है। देखिए, फ़ायदा तो उन बच्चों को ही नहीं हुआ है री एग्जामिनेशन में जिनके 90% थे, अब अगर री एग्जामिनेशन में आपके 90 है वो आ भी जाते हैं तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो आगे कहीं पर काम आ जाए, बट एक दिक्कत है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा, वो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बेकार है और कहीं न्यूज़ भी आ रही है, कुछ अफवाहें हैं या फिर क्या है, तो उसके बारे में अभी हमें सही नहीं पता, बट उसके बारे में मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जो जो भी बच्चे री एग्जामिनेशन दे रहे हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको देते रहेंगे, और किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है री एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई, या फिर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो या तो आप हमें इंस्टा पर पूछ सकते हैं, या फिर किसी तरह की और मदद चाहिए, कोई डेटा चाहिए पढ़ाई का, तो आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।